ध्यान रखना, कोई आता दिखे तो संकेत देना। तुमने सही सुना था ना, राज परिवार के लोग गुप्त बैठक कर रहे हैं राजगुरु से छिपाकर। जी, ये आप क्या कह रहे हैं? राज परिवार में नाजायज औलाद, आपने इसे सोचा भी कैसे? माँ, ऐसा मैंने नहीं सोचा, ऐसा भैरवी कह रही है कि हमारे राज परिवार में कोई है जिसे राज परिवार का नाम तो मिला है पर वो राज परिवार का खून नहीं है, या फिर कोई ऐसा इंसान है जो राज परिवार का खून तो है पर जिसे अभी तक राज परिवार का नाम नहीं मिला। क्या हमारे परिवार में ऐसा कोई है? पता नहीं माँ, पर ये भैरवी का मानना है, पर घबराहट तो इस बात की है कि मैंने फिर से अपने सरकटे पूर्वजों को देखा, और जब भी ऐसा हुआ है दो दिन में हमारे परिवार में किसी की मौत हुई है, और भैरवी ने भी यही कहा कि दो दिनों में हमारे परिवार में किसी की मौत होने वाली है, पर जिसकी मौत होने वाली है वो इस परिवार की नाजायज औलाद है। हे प्रभु, अब हम क्या करेंगे? दादी, मुझे किसी तरह राज परिवार के उस सदस्य को ढूंढना है जो इस परिवार की नाजायज औलाद है। अगर मैं ऐसा कर पाया तो शायद भगवान उसकी जान बख्श दे। राज परिवार की अवैध संतान, तुम जानती हो कुछ इस बारे में? आर्ची, अर्चना जी, आर्ची, आर्ची, अर्चना जी, केदार, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वीर अर्ची को जंगल में अकेला छोड़ के वापस आ गया। केदार, तू कुछ सुन रहा है? एक मिनट, बड़े युवराज अर्चना को छोड़कर नहीं भागे। तुमने सुना ना, उन्होंने खुद देखा कि भगवान काल भैरव अर्चना को लेकर गए और वो उसके पीछे भागे भी, लेकिन एक लड़की जो अपने आप को भगवान काल भैरव की बेटी बोल रही थी उसने कुछ जादू किया और युवराज को राजमहल लेकर आ गई। हम सब तो वैसे भी वहां जंगल में ढूंढ ही रहे थे ना। तो किधर, तू भी ये सब मान रहे है कि वो भगवान की बेटी है, वो इंसान के रूप में आई है? किधर, समझ इस बात को। टीटू, किधर, मुझे तो इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश नजर आती है। भगवान की बेटी ये देवी शक्ति जैसा कुछ है तो वो वीर से क्यों शादी करना चाहती है? मुझे लग रहा है राजमहल रियासत वगैरह पाने के चक्कर में कोई बहुत बड़ी चाल चल रहा है। टीटू, ये चाल, साजिश, धोखा, जो कुछ भी हो यार, है तो डरने वाली बात ना। ये जंगल अभी दिन में इतना डरावना लग रहा है, आर्ची तो कल रात से यहीं पे। यार मेरे तो सोच के ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। यार तुम ना बस डरती रहो, मीन्स तुम्हारे डरने के कारण ना हमारी ढूंढने की रफ्तार कम हो गई है। किधर, तुम उस तरफ जाओ, डोलियर में इस तरफ देखते हैं। जाओ। आर्ची, आर्ची, अर्चना जी, आर्ची, आर्ची, तुम सुन सकती हो? आर्ची, यार टीटू शाम हो रही है। हाँ तो यार, मैंने सुना है कि रात को ना यहाँ वो लाली की आत्मा भटकती है। यार टीटू चलते हैं घर पे, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर इतना डर लगता है तो यहाँ आई क्यों थी? मैं आना भी नहीं चाहती थी, लेकिन ये आर्ची है ना, मेरी एक बात नहीं मानी उसने। मैंने उससे पहले भी कहा था कि ये कनकगढ़ छोड़ के वापस भोपाल चले। अच्छा, तू ये सब छोड़, एक काम करते हैं, मैं राजमहल तुझे छोड़ के केदार के पास वापस आता हूँ, ठीक है? चलते हैं, चल। काल से उलझ हो गए तो कभी नहीं बच पाओगे। जय काल भैरव। महारानी जी, मेरे कक्ष में कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको राज परिवार की अवैध संतान के बारे में पता चल गया है? ये आपने कैसी बेहुदा बात वीर के जहन में डाल दी है? हमने आपको भगवान की बेटी के रूप में स्वीकार किया, कम से कम उसका तो मान रखिए। हम 31 साल से इस राज परिवार का हिस्सा हैं और हम अच्छी तरह से जानते हैं ऐसा कुछ नहीं है। महारानी जी, आप तो राजमहल का सजा हुआ गुलदस्ता है, आपको क्या पता कि आपका भवरा किस किस फूल पर मंडरा रहा है? अब बिल्ली जब आंख बंद कर दूध पीती है तो उसे तो यही लगता है ना कि कोई नहीं देख रहा है, पर भगवान तो सब कुछ देख सकते हैं।
उन्होंने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिनकी खबर आपको भी नहीं है। आपके परिवार में दोनों प्रकार की अवैध संतानें हैं। एक तो वो जिन्हें राज परिवार का नाम तो मिला है पर खून राज परिवार का नहीं, और एक वो जो है राज परिवार के पर यहाँ से दूर पल रहे हैं। आप लोग ये कैसे भूल जाते हैं कि इस परिवार का कोई भी वंशज राजमहल में रहे या यहाँ से कोसों दूर श्राप से नहीं बच सकता। 30 साल से पहले मृत्यु तो निश्चित है। एक बात बताइए महारानी जी, क्या आपको सच में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है? क्या फिर आप भोली बनकर राजमहल के कुकर्मों पर पर्दा डाल रही हैं? देखिए झूठ मत बोलिएगा, भगवान से कुछ नहीं छुपा है, वो मुझे सब कुछ बता ही देते हैं। इस बारे में कुछ नहीं जानते। ओ, आप सच में नहीं जानते? तो ऐसा कीजिए महारानी जी, आप राजमाता से पूछ लीजिए। अपनी बहन के बाद एक वही तो है जो इस राज परिवार में इतने साल गुजार चुकी है, उन्हें जरूर पता होगा। ढूंढिए उन अवैध संतानों को इससे पहले कि उनमें से किसी एक को श्राप का दंड मिले। जाइए, मुझे अपने विवाह के संगीत समारोह के लिए नृत्य का अभ्यास करना है। जय काल भैरव। राज परिवार के नाजायज बच्चे की मौत? हाँ पवित्रा, भगवान की बेटी ने ऐसा ही कहा है। नहीं, मेरे बच्चे के साथ ऐसा नहीं हो सकता। हमने तो जो सुना वही बोला वही बताया, उसकी मौत होगी जो राज परिवार का तो है पर खून राजाओं का नहीं, या फिर खून तो राजाओं का है पर जिसे अभी तक नाम राज परिवार का नहीं मिला। जैसे तुम्हारी कोख में पल रहा ये वंश राज परिवार का है। नहीं, मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो सका। ये बच्चे ने किसी का काम बिगाड़ा है काकी। पहले ही वो राज परिवार की वजह से मैं सब कुछ खो बैठी, अभी बच्चा नहीं। ना काकी, कछु करो, मेरे लाल की रक्षा करो काकी। हम तो सिर्फ भगवान के सामने हाथ जोड़ सकते हैं, हमारे हक में और कुछ नहीं है। मेरी बात समझो रेवती, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, वो तो राज परिवार का भी नहीं है। तुमने सुना नहीं उस लड़की ने क्या कहा? राज परिवार की नाजायज औलाद या फिर राज परिवार का नाम है लेकिन राज परिवार का खून नहीं, और हमारी औलाद तो दोनों ही है। मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती काशी, मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती। हमारे बच्चे को बचा लो। बड़े युवराज, भैया कोई काम था तो मुझे बुला लेती, आप क्यों आए? बड़े युवराज, आप पूछ रहे थे ना कि आपके भैया के ड्रॉर में कुछ पेपर्स मिले हैं क्या? वो दरअसल मैं चेक कर रही थी, मुझे कुछ एनवेलप्स मिले जिनमें से इस पर आपका नाम लिखा है, और इसे देखकर मुझे याद आया कि पिछले साल जब आपके भैया बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, उन्हें लगा क्योंकि श्राप की सजा का समय आ गया है और वो बच नहीं पाएंगे, ये उन्होंने मुझे तब दिया था और कहा था उनके जाने के बाद आपको दे दूंगी। फिर उनकी तबीयत ठीक हो गई तो ये उन्होंने मुझसे वापस ले लिया था। इस पर आपका नाम लिखा था तो मैंने इसको कभी खोल के भी नहीं देखा, अभी मिला तो सोचा आपको दे दूं। तब आप उनसे बात नहीं कर रहे थे ना, शायद इसीलिए उन्हें लगा हो कि के जरिए आप तक मैसेज पहुंचा दिया जाए। वीर मेरे प्यारे भाई, जब तक तुम्हें ये खत मिलेगा मैं दुनिया से जा चुका हूंगा।
अंधेरे इस दुनिया को छोड़ने से पहले मैं तुम्हें हमारे परिवार का एक राज बताना चाहता हूँ, जिसके बारे में रानी माँ भी नहीं जानती। हमारे पिताजी ने छुपकर एक और शादी की थी। और उस शादी से उनके दो बच्चे भी थे।